नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सबको। तो दोस्तों, ऑटो चालकों ने निकाली रैली। जी हां दोस्तों, ऑटो चालकों ने कल आईटीओ पे रैली निकाली। और इस रैली निकालने का मकसद क्या था, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। और इस रैली को क्यों निकाला गया था, किसने निकलवाई थी ये रैली, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे आरटीओ से संबंधित, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संबंधित और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये ऑटो चालकों ने रैली आखिर क्यों निकाली थी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। 3-4 दिन से हमारी जो वीडियो अपडेट नहीं आ रही थी, वो दोस्तों उसका कारण क्या था, दोस्तों जो मेरा मोबाइल था, जो मैंने अभी 7-8 महीने पहले नया मोबाइल लिया था, वो एक एक्सीडेंट दुर्घटना में, ये मेरा मोबाइल आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूट चुका है, आगे से भी और पीछे से भी बिल्कुल टूट गया है। ये देखिए, बिल्कुल नया फ़ोन था, 7-8 महीने हुए थे, तो ये पूरा डैमेज हो गया, जिसके कारण मैं कोई भी अपडेट आपको नहीं दे पाया। चलिए, अब आपको धीरे धीरे करके सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो बात सामाजिक कार्य की हो या फिर गरीब ऑटो चालकों को न्याय दिलाने की बात हो, सभी कार्य वो बड़ी मेहनत और लगन से करते हैं। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए राजेंद्र सोनी जी और भी वहां पे कई सम्मानित अधिकारी आए हुए थे, जिन्होंने इन ऑटो चालकों को इकट्ठा किया और उनको जागरूक किया। और जागरूक करने का कारण था दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो यमुना है वो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है, इसी के चलते वहां पे जितने भी सम्मानित अधिकारी और राजेंद्र सोनी जी आए हुए थे, तो उन्होंने ऑटो चालकों के माध्यम से दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए ये एक छोटी सी रैली निकाली थी दोस्तों। कॉलोनी हो गया और ना वजीराबाद हो गया, उसके अलावा जहां जहां जगह है, और दिल्ली की जनता से मैं स्पेशली निवेदन करूंगा, हम लोग भी इसमें शामिल हैं ऑटो रिक्शा वाले, क्योंकि हम लोग भी आपकी दिन रात सेवा करते हैं। गंगा मैया की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है, दिल्ली की जनता का भी बनता है और हमारे ऑटो रिक्शा वालों का भी बनता है। जमुना मैया की बोलो, जमुना मैया की जय। दिल्ली की जनता से अपील, गंगा मैया की जय हो, और अपना अपना ऑटो रिक्शाओं पर लगाएंगे और चलेंगे। और दिल्ली की जनता से अपील, 4 जून को भारी तादाद में गीता कॉलोनी, वजीराबाद और कलंदी कुंज में इकट्ठे हो। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जितने भी इस अभियान से जुड़े हुए सम्मानित लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भी जिन्होंने भी झंडा ले रखा है, इन्होंने ये तिरंगा झंडा दिखाकर इस ऑटो जागरूकता रैली को यहाँ से रवाना किया। ये जो तस्वीरें हैं, ये राजेंद्र सोनी जी के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं दोस्तों। यहीं से इस जागरूकता रैली को रवाना किया गया था, और ऑटो ड्राइवरों से और दिल्ली के तमाम नागरिकों से ये अपील की गई थी कि आप सभी जमुना जी को साफ करने में अपना योगदान अवश्य दो दोस्तों, और ये एक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी 4 जून को, जिसमें लाखों की संख्या में दिल्ली के नागरिक और इस अभियान से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। तो आप भी इस अभियान में जरूर जुड़े और 4 जून को अपना योगदान दें। क्योंकि दोस्तों, हम ऑटो चालक एक ऑटो चालक ही नहीं है, हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, और इस जमुना जी की गंदगी के कारण हम पे भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम भी इस जमुना जी की सफाई में अपना जो भी योगदान बनता है वो अवश्य देंगे, चाहे वो जागरूकता फैलाने का कार्य हो या फिर कोई भी कार्य जो भी हमें मिलेगा उसमें हम पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, बस यही थी, छोटी सी रैली निकाली गई थी ऑटो चालकों के द्वारा, जो जमुना जी की सफाई को लेकर थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।